अज्ञान मूल हरणम। सभी बोले अज्ञान मूल हरणम। जन्म कर्म निवारकम्। जन्म कर्म निवारकम्। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम्। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम्। गुरुर्पादोदकम् पिबे। गुरुर्पादोदकम् पिबे। स्वदेशिकश्चैव च नाम कीर्तनम्। स्वदेशिकश्चैव च नाम कीर्तनम्। भवेदनतश्च शिवस्य कीर्तनम्। भवेदनतस्य शिवस्य कीर्तनम्। स्वदेशिकश्चैव च नाम चिन्तनम्। स्वदेशिकश्चैव च नाम चिन्तनम्। भवेदनतस्य शिवस्य चिन्तनम्। भवेदनतस्य शिवस्य चिन्तनम्। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं कि अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले और अनेक जन्मों के कर्मों को निवारण करने वाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। फिर भगवान शिव जी कहते हैं कि अपने गुरुदेव के नाम का संकीर्तन, अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही कीर्तन है, और अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन, अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन है। यो गुरु शह प्रोक्तो हो शिवा। जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है, दोनों एक है, कोई भेद नहीं है। और संसार में जन्म और मृत्यु भेद के कारण ही होता है। अज्ञान ही दुख का कारण है और ज्ञान ही सब सुखों की जननी है, लेकिन सद्गुरुदेव अज्ञान के मूल का हरण करते हैं। अज्ञान हटेगा तो दुख हटेगा। वेद भी प्रार्थना करते, असतो मा सदगमया, तमसुर मा ज्योतिर्गमया, मृत्युर्माम अमृतम गमया। हे प्रभु, मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। तो रात का जैसे तिमिर है, अंधकार है, वही हमारी आत्मा में जन्मों जन्मांतर का अज्ञान रूपी अंधकार है। उसी अज्ञान का हरण करने वाले सद्गुरुदेव हैं। अज्ञान मूल हरणम। जन्म कर्म च निवारकम। और जन्म और कर्म को दिव्य बनाने वाले, जन्म जन्मांतर के बंधनों को काट करके मुक्ति की राह पर प्रशस्त करने वाले कोई है तो वो सच्चे सद्गुरु हैं, और ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले भी हैं। जीवन में ज्ञान मिलेगा ही तब, जब वैराग्य पुष्ट होगा, और भक्ति जीवन में आएगी तब, जब हमारे ज्ञान और वैराग्य हष्ट पुष्ट होंगे। क्योंकि भक्ति माता के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। हम अपने जीवन में देखें कि हमारा ज्ञान और हमारा वैराग्य हष्ट पुष्ट है। हष्टपुष्ट जैसे युवक हष्टपुष्ट रहता है स्वस्थ, तो क्या हमारे जीवन में भी ज्ञान है, क्या वैराग्य है? वैराग्य है जीवन में। वैराग्य माने जो इंद्रियगत सुख है,
आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, तो आँखों से क्या देख रहे हैं? गुरुदेव ठाकुर जी का दर्शन करते हैं अथवा तो जगत के ही नश्वर भोग पदार्थ जो नाशवान दृश्य है उनके पीछे हमारी आसक्ति है। हम कानों से व्यर्थ की बातें सुन रहे हैं या प्रभु के नाम की महिमा, संत महिमा, भगवत चरित्र? इसलिए संतों ने कहा है कि एक तो भगवत दर्शन इन आँखों से हम बार बार करें, सदगुरु का दर्शन इन आँखों से बार बार करें। दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, कई बार नहीं कर सके दिन में कर एक बार, एक बार नहीं कर सकते एक दिन में तो दो दिन में एक बार गए, दूजे तीजे नहीं करे तो चौथे दिन कर जाए, चौथे साते नहीं करे चौथे दिन कर ले, सातवें दिन कर ले, नहीं तो पाक पाक कर ले, 15 दिन में तो अवश्य करें। 15 दिन में भी नहीं मिलता है अवसर तो कम से कम पाक पाक नहीं कर सके मास मास करी जाए, महीने में एक बार तो जरूर गुरु दर्शन, और मास मास नहीं कर सके तो फिर कब करेंगे? कहे कबीर सो फिर काल दगा दे जाए, नहीं तो कब काल दगा दे जाएगा पता नहीं। क्योंकि कबीरा दर्शन साधु के साहिब आवे याद, संत के दर्शन से ही भगवान की याद आती है। और पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि जिस प्रकार खाकी वर्दी वाले पुलिस वाले को देखो तो थाने की याद आती है, सफेद कोट वाले डॉक्टर को देखो तो हॉस्पिटल की याद आती है, काले कोट वाले वकील को देखो तो कोर्ट कचेरी की याद आती है, भक्त को देखो तो भगवान की याद आती है, ऐसे ही बापू के प्यारे दुलारे भक्तों को देखो तो भगवान की याद आती है, संतों को देखो तो भगवान की याद आती है। कबीरा दर्शन साधु के साहिब आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी के दिन बाद, तो वही घड़ियाँ सार्थक है। लेकिन जो सार्थक घड़ियाँ हैं उस सार्थक घड़ी के लिए ही हमारे पास समय नहीं है, निरर्थक बातों के लिए, निरर्थक चीज़ों के लिए जो सब कुछ छोड़ के भागना है, छोड़ना ही है, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है, खिला पिला के दे बढ़ाई वो भी अगन में जलाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। तो जो सब कुछ छोड़ के जाना है वहाँ बड़ी पकड़ है, मजबूत बड़ा ध्यान है, हर चीज़ पर ध्यान रहता है, बिजनेस पे ध्यान है, इधर ध्यान है, उधर ध्यान है, रिश्ते नातों पे सब पे ध्यान है, लेकिन जहाँ ध्यान देना चाहिए वहाँ ध्यान नहीं है। तो सत्संग से ही ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होते हैं, और सत्संग ब्रह्मज्ञानी सदगुरु जो हमारे ज्ञान को भी बढ़ाते हैं, हमारे वैराग्य को भी बढ़ाते हैं। तो वैराग इंद्रिय अर्थ शु वैराग, हम इन आँखों से व्यर्थ का देखें नहीं, देखें तो सात्विक दर्शन करें, सत महापुरुषों के दर्शन करें, संतों के दर्शन की महिमा है। और इन कानों से व्यर्थ की बातें निंदा स्तुति ना सुने, बल्कि भगवत चर्चा सत्संग सुने, गुरु की वाणी सुने। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने अपने कानों से हरि की कथा का श्रवण नहीं किया, भगवत चर्चा नहीं सुनी, तो जो भगवत चर्चा नहीं सुनेगा तो वो व्यर्थ की चर्चा सुनेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ सुनने को चाहिए, कुछ ना कुछ देखने को चाहिए, कुछ ना कुछ सूंघने को चाहिए, कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, ये 5 इंद्रियों के 5 विषय तो चाहिए चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रियों के अर्थ में थोड़ा वैराग्य करें। तो इंद्रियों के अर्थ में जब वैराग्य होगा तो राग उत्पन्न किस में? अभी तो इंद्रियों के अर्थ में राग है। तो इंद्रिय अर्थेषु वैराग, जब इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य होगा, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय अर्थेषु वैराग, इंद्रियों के अर्थ में जब वैराग करेंगे तो रस की मांग तो फिर भी बनी रहेगी,
अभी हम इंद्रियों के रस में रस लेते रहते हैं, इसलिए भीतर का रस उत्पन्न होता नहीं है, भीतर का रस जागृत होता नहीं है, भीतर का रस हमको मिलता नहीं है। ठीक ऐसे ही जैसे हम रोज भोजन करते हैं, रोज पानी पीते हैं, तो हमारी प्राण शक्ति पेट में उसको पचाती है, लेकिन हम भोजन लेना बंद कर दें तो अंदर की जो अग्नि है, जठराग्नि, वो तो कुछ ना कुछ मांगेगी ही, वो कुछ ना कुछ तो खाएगी, तो या तो बाहर से उसको दीजिए अंदर तो उसको खाएगी, और नहीं तो फिर आपके भीतर की ही जो भीतर स्टोरेज है, आप होता है ना एक्सेस बॉडी के अंदर फैट हर कोई स्टोर करके रखता है, धन इकट्ठा करना ठीक है और सब चीज़ें इकट्ठे करते, लेकिन शरीर में फैट भी इकट्ठा होने लगता है। क्यों? क्योंकि इनकमिंग बहुत है, आउटगोइंग जरा स्वादिष्ट पदार्थ खा तो रहे हैं लेकिन मेहनत नहीं है, और मेहनत नहीं है तो फिर ये धीरे 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 बढ़ते रहता है फैट, तो उपवास करते हैं तो ये फैट फिर वो जठराग्नि में जा करके ये मांस को भी खाने लगता है। इसलिए जो दिन दो चार दिन जो उपवास करते हैं उनका वजन थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? कहाँ गया वो फैट? वही जठराग्नि में जा जा करके दोष पचने लगते। इसलिए 15 दिन में कम से कम एक कड़क उपवास तो करना ही चाहिए। जो स्वस्थ हैं, जिनको डायबिटीज नहीं है, उन्हें छोड़ के सबको एक कड़क उपवास तो करना ही चाहिए, बहुत सारे दोष निवृत्त होते हैं। तो जैसे अगर भोजन को बाहर का, मैं पेट को बाहर का भोजन ना दो तो भीतर से ही खाने लगता है, ऐसे इंद्रियों को भी बाहर का जो भी अर्थ है, उसको बाहर का भोजन है, वो देखने वाला, सुनने वाला, खाने वाला, चखने वाला, स्पर्श का, इनसे अगर हम इनको नहीं देंगे और इससे और नहीं देंगे तो भी मन करेगा। तो कहते हैं सद्गुरु उन बाह्य विषयों और विकारों के प्रति जो राग है, सत्संग के द्वारा उसकी निरर्थकता, उसकी व्यर्थकता को दिखा करके और हमारे भीतर जो शाश्वत आनंद है, सच्चित आनंद है, उस आनंद के प्रति हमारी रुचि जगा देते हैं और उसकी तरफ हमारी वृत्ति को मोड़ देते हैं। तो इंद्रिय के अर्थ में जब वैराग होगा तभी परमात्मा के चरणों में, गुरु के चरणों में अनुराग होगा। बाह्य धारा बाहर जगत के तरफ है और बाहर की जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जनित जो भी सुख प्राप्त है, वो सुख जब तक नहीं मिला तब तक मन उसके पीछे भागता है, और जैसे ही वो प्राप्त हो जाता है मन उसको छोड़कर फिर और दूसरी तरफ भागता है, माने भटकान चालू ही रहती है। ये बहिर्गामी मन है। सद्गुरु कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मन अगर अंतर्मुख होने लगता है तो फिर मन भगाता नहीं है, दौड़ाता नहीं है, नचाता नहीं है, थकाता नहीं है, बल्कि मन भी हमनी भाव में शांत हो जाता है, निर्विचार होने लगता है, निसंकल्प होने लगता है, और भीतर फिर विशेष आनंद और शांति आने लगती है, फिर भक्ति बढ़ने लगती है। ज्ञान अगर पुष्ट हुआ, वैराग अगर पुष्ट हुआ, तो भक्ति भी पुष्ट होने लगती है। अभी भक्ति हमारी वृद्ध है, भक्ति माता भागवत में आता है, ज्ञान वैराग मूर्छित है, तो हम अपने जीवन में ज्ञान को भी लाएं, वैराग्य को भी लाएं। तो ज्ञान और वैराग्य आता है सद्गुरु के वचनों से, क्योंकि भगवान शिव जी कह रहे हैं कि सद्गुरुदेव अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म च निवारकम, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरु पादोतकम पिबेत। गुरु के चरणों को धोके पीना अर्थात ये नहीं कि गुरु के चरणामृत को पीना, अर्थात गुरु के चरणों में निवे होकर के बैठ करके, और जो गुरुदेव के मुख से ज्ञान रूपी गंगा सरिता बह रही है उसका रसपान करना, गुरु के चरणों में निवे होकर के गुरु चरणों में बैठना। उपनिषद का मतलब भी है उपमाने निकट बैठना, किसके? जो इनका ज्ञान और जिनका वैराग्य पुष्ट है, जिनकी भक्ति पुष्ट है, ऐसे महापुरुषों के चरणों में हम बैठेंगे तो हमारा ज्ञान और वैराग्य भी पुष्ट होगा। तो फिर अज्ञान मूल हरणम, फिर जो अज्ञान है वो ही मूल है जन्म और मृत्यु का, 84 के चक्कर का, उसका हरण फिर होने लगेगा और ज्ञान वैराग्य हमारा पुष्ट होने लगेगा, और अनेक जन्मों के
कर्म जो बंधन है वो भी ज्ञान रूपी अग्नि में, ज्ञानात् दग्धानि कर्माणि, ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्म फिर दग्ध होने लगते हैं। जन्म जन्म के जो संस्कार है वो जलने लगते हैं। जैसे मूंगफली का बीज है उसमें संस्कार है, और अगर उसको भून दिया जाए तो संस्कार उसके भून गए, फिर वो बोने के काम नहीं आता। अन्न मूंगफली और उगाने के लिए वो काम नहीं आएगी, खा सकते हो लेकिन उगा नहीं सकते। ऐसे ही सद्गुरु अनेक अनेक जन्मों के कर्म, ज्ञान वैराग्य, अनेक जन्मों के कर्मों को जला करके और हमें मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त कर देते हैं। तो ऐसे सद्गुरु के चरणों में बैठ करके हमें ज्ञान रूपी सरिता में स्नान करना चाहिए। और इसलिए बोलते हैं कि अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही कीर्तन है, अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन है। इसलिए हम गुरु के नाम का कीर्तन करते हैं तो वो ऐसा नहीं कि गुरु जी का अलग है, शिव जी का अलग है, एक ही है। तो आइए सब मिलकर के दो मिनट हम बाहर के जगत को, बाहर के रंग को न देख करके और अपने भीतर प्रभु के रंग में, गुरु के रंग में थोड़ी देर रंगें।